हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीटीएस आर्मी बीटीएस मेंबर को काफी ज्यादा फेमस करने की कोशिश करती है, क्योंकि फ्रेंड्स बीटीएस आर्मी भी चाहती है कि बीटीएस मेंबर के स्ट्रगल की स्टोरी हर कोई जाने और ये समझ पाए कि बीटीएस मेंबर कितना ज्यादा हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत बना पाए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं काफी सारे ऐसे रोस्टर हैं जो बीटीएस मेंबर को काफी ज्यादा बुरा भला कह के लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और लोगों को बीटीएस मेंबर के खिलाफ करते रहते हैं। और फ्रेंड्स, रिसेंटली ही एक बीटीएस रोस्टर ने बीटीएस मेंबर को इतना बुरा भला कहा है, जिसे देखने के बाद आर्मीज काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है वो रोस्टर और उन्होंने बीटीएस मेंबर के बारे में कौन सी बुरी बातें कही हैं, तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बीटीएस के आगे लेटेस्ट न्यूज को जानने के लिए। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीटीएस मेंबर के रोस्टर भी काफी ज्यादा हैं, जो इंडिया में बीटीएस मेंबर को लेकर काफी ज्यादा गलतफहमी आर्मीज के बीच फैलाते रहते हैं और हेटर्स की मन को काफी ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। और फ्रेंड्स, रिसेंटली ही एक यूट्यूबर जो बीटीएस रोस्टर है, उसने बीटीएस को रोस्ट करते हुए काफी सारे बीटीएस के बारे में बुरे वर्ड्स कहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इन्होंने किस तरह बीटीएस मेंबर के बारे में कितना ज्यादा बुरा कहा है। फ्रेंड्स, दरअसल इन्होंने कहा है कि बीटीएस मेंबर के हाथ एकदम लड़कियों की तरह मुलायम मुलायम है, अगर वो मारने आएंगे तो वो उन्हें थप्पड़ मार के गिरा देंगे। फ्रेंड्स, दरअसल इन्होंने बीटीएस मेंबर को लेकर ऐसे ही रोस्टिंग वीडियो को पहले भी बनाया हुआ है, जो लगभग एक साल पहले का वीडियो है। फ्रेंड्स, उसी वीडियो पर उन्होंने रिएक्ट देते हुए बीटीएस मेंबर को लेकर फिर से अपनी फीलिंग को लोगों के सामने शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस यूट्यूबर के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस यूट्यूबर का यूट्यूब पर एक अकाउंट है जो श्रीमान लीगेंड नाम से है और जिसमें इनके 19 लाख फॉलोवर हैं। और फ्रेंड्स, रिसेंटली इनके इतने सारे फॉलोवर हुए हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए जब उन्होंने बीटीएस मेंबर को लेकर एक साल पहले अपने रोस्टिंग वीडियो को बनाया था, तब वो काफी ज्यादा वायरल नहीं हुई थी। लेकिन अब बीटीएस आर्मी इतना ज्यादा हो गई है कि कोई भी वीडियो बीटीएस मेंबर से अगर रिलेटेड है, तो चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, वो काफी ज्यादा वायरल हो ही जाती है। और फ्रेंड्स, इसी तरह इनकी भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गई, जिससे आर्मीज को काफी ज्यादा बुरा लगा और इसलिए काफी सारे आर्मीज ने इन्हें काफी सारे बुरे बुरे कमेंट्स करके इनको काफी ज्यादा परेशान कर दिया। इसीलिए इन्होंने एक तीसरी वीडियो निकाली, जिसमें उन्होंने अपने थंबनेल में टॉक्सिक बीटीएस आर्मी लिखा हुआ था, क्योंकि फ्रेंड्स इन्हें ऐसा लगता है कि अगर बीटीएस आर्मी बीटीएस मेंबर के फेवर में अगर कुछ कहती है, तो वो टॉक्सिक फैन है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीटीएस आर्मी ने उन्हें काफी अच्छे से कमेंट करके समझा दिया कि बीटीएस आर्मी क्या है। हालांकि फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियोस को आर्मीज को वायरल ही नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों की वीडियोस को देखना ही नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इस रोस्टर को बीटीएस आर्मी से माफी मांगनी चाहिए या फिर नहीं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।